Suppose you are provided with the data. Let us see, मैं अपनी तरफ से कोई भी बना देती हूँ. More than or equal to. ठीक है, मान लीजिए मेरे पास जीरो दिया, फिर more than or equal to 10 दिया, more than or equal to 20 दिया, more than or equal to 30 दिया, more than or equal to 40 दिया, more than or equal to 50 दिया, more than and equal to 60 दिया, मान लीजिए more than and equal to 70 दिया आपको, and more than and equal to 80 दिया, more than and equal to 90 दिया. ठीक है, अब इसके corresponding मुझे ये values दी हुई है. Let us see. I'm drawing the lines because फिर हमें पता चल जाता है किसकी corresponding कौन सी CF या frequency जो भी दिया हुआ. अच्छा, सबसे पहले मुझे ये दिया हुआ number of students, लिखा ऐसे ही होता है ऊपर number of students. It doesn't means कि ये frequency दी है या CF दी है. ये जो CF दिया according to more than दिया आप. ठीक है, मुझे दिया हुआ है 53, 48, 45, 41, 38, 35, 31, 24, 15 and 8. अब ये डाटा आपको दिया और आपको कहते हैं फाइंड द मीन. मीन निकालने के लिए आपको सबसे पहले डाटा को सिंप्लीफाई करना है, है ना. सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे बताया था लेस देन अगर वर्ड होता है ना तो ये अपर लिमिट होती है, जब मोर देन होता है तो ये लोअर लिमिट होती है. 0 to 10 आपने क्लास इंटरवल्स कन्वर्ट कर दी, फिर आगे तो पता ही है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और ये 90 to 100. ओके बेटा, ये तो बता दिया हमने. अब बात होती है हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बन लिखने की. वी हैव टू राइट द फ्रीक्वेंसी, वो कैसे लिखनी. ओके, हाउ टू राइट दैट. मैं सिंपल सा तरीका बताती हूँ फिर आपको समझाऊ. जब लेस देन होता है ना तो पहले वाला एज इट इज आ जाता होता है, लेकिन जब मोर देन है ना तो लास्ट वाला एज इट इज. क्यों? क्योंकि मोर देन 90, वो 90 टू 100 वाली वैल्यूज आएंगी ना, तो वो कितनी है 8. उसके बाद इसमें से ये माइनस करते हैं, 15 minus 8 7. ठीक है, अब इसमें से ये माइनस, अगला अगला माइनस करते हैं 9, अगला माइनस किया 6, अगला माइनस किया 4, अगला माइनस किया 3, अगला माइनस किया 3, अगला माइनस किया 4, अगला माइनस किया 3 और अगला माइनस किया मेरे पास हुए 5. देखिए, और इन सब का टोटल करके देख लो, वो उतना ही आएगा जितना पहले वाला होता है. क्योंकि उसने कहा मोर देन जीरो, मोर देन और जीरो में तो वो सारी वैल्यूज आ गई ना, बट हमें तो 0 to 10 वाला चाहिए, है ना. कई बच्चे इधर से इधर माइनस करते जाते हैं, बात वही है. आप पहले मतलब माइनस करना है, आप करिए. मैंने ऐसे याद किया हुआ, मोर देन में ऑलरेडी मोर है तो नीचे से शुरू करते हैं, नीचे वाला एज इट इज. लेस में ऑलरेडी लेस है, ऊपर से शुरू करते हैं, उल्टा बस वो माइनस करते जाओ, ऊपर से नीचे लिखते जाओ, और मोर में बस नीचे से ऊपर लिखते जाओ, बात खत्म. अब ये सिंपल डाटा हो गया. अब आपको कुछ भी निकालने को कह दे, चाहे मीन चाहे मीडियन, कुछ भी निकालने को कह दे, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते. सबको बात समझ आ गई बेटा? एनी डाउट टू एनी वन तो यू कैन रेज है. ओके, अच्छा एक और यहाँ पर इतना ही है सिलेबस. लास्ट एक्सरसाइज हमारी डिलीटेड है, मैंने आपको पहले ही बता दी थी. एक फॉर्मूला है जिस पर बेस्ड हमारा जो है
वन नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इंपीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इंपीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज थ्री मीडियन. बेटा मेरे पास हो गए थ्री, मैंने लर्न किए हुए ऐसे ही. देखिए कैसे मीडियन बीच वाला होता है ना, थ्री मीडियन इज इक्वल टू, ठीक है ना. अब थ्री को मैंने ब्रेक करना है तो मेरे पास क्या आएगा, टू मीन प्लस वन जो गए मॉड. बस मैंने ऐसे लर्न किया, ये इंपीरिकल फॉर्मूला. मतलब आपको कोई दो चीज दे दी जाए, मीन दे दिया, मॉड दे दिया, मीडियन निकालना, सीधा ये फॉर्मूला लगाओ एंड यू विल गेट योर आंसर. बात समझ आ गई बेटा सबको? ओके जी. Any doubt to anyone, raise your hand and ask me the question related with stats. हाँ जी. Yes Navya बेटा. Yes Navya. आप जब तक बेटा सारे बच्चे क्या कहते हैं वीडियो ऑन नहीं करोगे, अब मैं जो गए आई विल नॉट आस्क एनीथिंग देन, फर्स्टली ऑन द वीडियो दोज हु वांट टू आस्क द क्वेश्चन. ठीक है, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फर्स्टली ऑन द वीडियो आफ्टर देन डजंट मैटर. फिर क्या हुआ, एंजॉय कर रहे हो ना दोनों, दैट्स गुड. यस दक्ष. हाँ जी दक्ष बोलिए बेटा. मैम पहले फेक आईडी निकालो मैम मेरी 10-3-8 दक्ष वाली. डजंट मैटर, आपको क्या टेंशन है, आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो ना, डजंट मैटर. मैम फिर कल को अगर मैंने लगाई नहीं तो यही है. हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद नाउ द न्यू चैप्टर बेटा, न्यू चैप्टर दैट इज मेरे पास कंस्ट्रक्शन. अगेन आई एम सेइंग आई विल फर्स्टली डू 11.2, आफ्टर देन आई विल डू 11.1 का एक ही क्वेश्चन है, हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, 11.2 में स्टार्ट करने लगी हूँ. एंड व्हाट इज द टॉपिक ऑफ दिस मेरे पास कंस्ट्रक्शन चैप्टर, वेरी स्कोरिंग एंड वेरी इजी, है ना. व्हाट इज द टॉपिक, द टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल. मैंने एक सर्कल पे ना एक टेंजेंट ड्रॉ करनी. अब बहुत इजी है, आपको अगर किसी भी एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना ना, सिर्फ आपको दो चीजें चाहिए, एक सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए और जो टेंजेंट ड्रॉ करना है, जो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है वो एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी की दूरी पे, वो एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे. ठीक है, तो मैंने ये मान लिया, मुझे ये पता होना चाहिए सेंटर एंड एक्सटीरियर पॉइंट, ये पता चल गया. मेरा पहला स्टेप होगा पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कि इन दोनों पॉइंट्स का मैं क्या कैलकुलेट करूं बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो मेरे पास यहां पर बेटा कैसे ड्रॉ होगा, मैं प्रॉपरली ड्रॉ करके दिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ कंपास. अभी जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ कि हमारे दिमाग में स्टेप क्या होंगे. जब मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, हाफ से ज्यादा ऊपर नीचे, फिर इधर से हाफ से ज्यादा ऊपर और नीचे, ये मैंने कर दक्षिता. एनी प्रॉब्लम तो बेटा पहले अपनी वीडियो ऑन कीजिए, ओनली देन आई विल आस्क द प्रॉब्लम. चलिए अब बेटा ये नया सेंटर आ गया समझ में, ये न्यू सेंटर है इन दोनों के बीच का,
पॉइंट का, एक सेंटर का और एक एक्सटीरियर पॉइंट का, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे मेरे कॉन्स्ट होंगे, यहां पर कंपस रख के जितना इसका पुराना सेंटर है इतने डिस्टेंस पे ओपन कीजिए और सर्कल पे ये काट दीजिए, बस। ओके, बस काम खत्म। अब ये पॉइंट आ गया मेरे पास जहां पर सर्कल पे टेंजेंट टच करना है, तो मेरे पास इसको इससे ज्वाइन कर दो और इसको इस। अब ये एक्सटीरियर पॉइंट, ये ए, ये बी, 100% पी ए और पी बी आपकी इक्वल होगी लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स 100%। ये सेंटर पॉइंट होगा, ये रेडियस होगा, ये पक्का, यही हर क्वेश्चन में यही मेथड है। एक्सटीरियर पॉइंट और सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, यू विल गेट अ न्यू सेंटर। अब वो न्यू सेंटर से जितना पुराने सेंटर पे डिस्टेंस है सर्कल पे आर्क लगा दो, यू विल गेट द पॉइंट ए एंड बी। अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, यही मेथड बार बार यूज होगा, ठीक है बेटा। चलिए लेट अस स्टार्ट विद नाउ एक्सरसाइज। अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है प्लीज टेक इट, आई विल गिव यू 1 मिनट टू टेक द मटेरियल फ्रॉम योर बैग। हरिया टेक इट बेटा, सेट योर पेंसिल स्केल एवरीथिंग, जल्दी सेट कीजिए। मैंने भी अपना सारा मटेरियल जो है सेट कर लिया है, तो आपको भी अपना करना है, लेट अस सी, ठीक है। और मेरे साथ बना के आपने मुझे दिखानी है वीडियो ऑन करके कि मैम वी हैड मेड दिस, ओके क्लियर। मेरे पास होंगे फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 11.2। ये मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया आपको, नाउ लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास होंगे फ्रॉम द same exercise, exercise 11.2. What is written here? Firstly, draw a circle of radius 6 cm. तो मैं क्या करूंगी बेटा, first question में पहले मैंने अगर 6 cm का क्या करना है circle draw करना है, तो मैं 6 cm की compass open करूंगी, ठीक है। मैंने 6 cm का compass open कर ली, scale रख गई, ठीक है, स्केल पर मेजर करके मैंने किया, मैंने एक पॉइंट सेंटर को मार्क कर लिया, ठीक है बेटा। यहां पर कंपास रखी और ये मैंने देखे, आई ड्रॉ आपकी कॉपी पे बहुत इजीली बन जाएगा, हमें थोड़ा सा चलिए, ठीक है, मेरा सर्कल बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप उसने क्या कहा, फ्रॉम जो है पॉइंट 10 cm अवे फ्रॉम इट सेंटर। अब उसने कहा सेंटर से 10 cm की दूरी पे, ये सेंटर है और मैंने ये 10 cm यहां लिखा, ये देखिए, ठीक है, यहां पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर, ओके, लेट इट बी 0, लेट इट बी ए। सब बच्चे अपना साथ साथ ड्रॉ करें, ओके। अब उन्होंने क्या कहा, कंस्ट्रक्टिव पेयर ऑफ टेंजेंट एंड मेजर देयर लेंथ। अब यहां जो है इस पॉइंट से जो है कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कीजिए। अब उसके लिए बेटा मैं क्या करूंगी, मैंने आपको पहले ही बोला अगर कोई आउटसाइड पॉइंट है मेरे पास तो सबसे पहले क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते। तो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओपन किया हाफ से ज्यादा, देखो एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, ये आपने एट्थ में समझा हुआ है कि एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते। फिर दूसरे एंड पे गए, ठीक है जी, मैं दोबारा मैं कर लू, क्योंकि हिल जाता है सॉफ्ट होता है,
ये पीछे, ठीक है। पार्थ इफ यू वांट टू से एनीथिंग पहले अपनी वीडियो ऑन कीजिए बेटा, उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे इसको ज्वाइन कर देंगे, देखिए ओके। तो अब बेटा मेरे पास जो है ज्वाइन करके ये नया सेंटर आ गया, फिर मैंने आपको क्या कहा था हम क्या करेंगे इस नए सेंटर से जितना हाँ जी, अब क्लियर है वॉइस? ओके चलिए, ओके तान्या गुड, यस बेटा। हाँ जी, तो मेरे पास हो गए, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको ए मार्क कर देंगे, ए मार्क किया हुआ ना इसको पी मार्क कर देते, इसको क्यू मार्क कर देते, और 100% जो है मेरे पास बेटा क्या होगा ए पी इक्वल टू ए क्यू दैट इज इक्वल टू, ये मैयर करके देखिए यहां से यहां तक कितनी लेंथ आती, ओके क्लियर, बात समझ आ गई बेटा सबको, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा, एनी डाउट टू एनी वन? तान्या इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग नवे एनीथिंग प्लीज ऑन योर वीडियो बेटा प्लीज, तभी मैं बता दूंगी। यस तान्या, यस तान्या बेटा बोलिए। मैम एक बार ये बता दो कि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया वो 10 सेंटीमीटर वाली लाइन का, फिर क्या किया? फिर बेटा नए सेंटर से पुराने सेंटर का डिस्टेंस लेके सर्कल पे आर्क लगाए, नए सेंटर से पुराने सेंटर पर आर्क, समझ आ गई? ड्रॉ कीजिए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी देखिए, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन सेकंड में रेडियस 4 सेंटीमीटर मुझे दिया हुआ है, पहले सारा रफ लिख लेते हैं, देखिए फिर क्या, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ कंसेंट्रिक सर्कल जो है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मेरे पास जो है रेडियस 6 सेंटीमीटर और कंसेंट्रिक मतलब सेम यहाँ पर, और इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, अब उसने कहा है कि मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर वाले से 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पे, और आपने लेंथ भी मेजर करनी है टेंजेंट्स की, और उसके बाद जो है बेटा ऑल्सो वेरीफाई इट बाय एक्चुअल कैलकुलेशंस, और हमने वेरीफाई भी करना है, सबसे पहले तो ड्रॉ करें ना हमने, अब ड्रॉ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए,
फोर सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर टू पे मैंने फोर सेंटीमीटर के मेजर किया और मैंने सेंटर लिखा यहां पर और मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। आराम से कीजिए, कंपास को नहीं हिलाना है हमने, सिर्फ जो एक बार सेंटर ज्वाइन कर लिया, ठीक है। चलिए ये मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया 4 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर के जो है सर्कल, इसको पूरा करूंगी। तो 6 सेंटीमीटर के लिए अब मैं 6 सेंटीमीटर का मैंने ओपन किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ये हाँ जी बेटा। तो अब क्या करेंगे बेटा, फिर वही, अब देखो हमने बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट कि सेंटर और आउटसाइड है, ये ऐसे, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये आउटसाइड पॉइंट हो गया, ठीक है, ये सेंटर, ये आउटसाइड। देख शांत है, नहीं प्रॉब्लम, पहले वीडियो ऑन करो बेटा। अब देखिए सेंटर है तो वहां पर आउटसाइड पॉइंट है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, देखो इस पूरी लाइन का करना है ना, हाफ से ज्यादा ऊपर फिर नीचे फिर यहाँ पर और यहाँ पर, ये नीचे कर दिया मेरे पास, ठीक है जी। तो अब हम क्या करें यहाँ पर, व्हाट वी हैव टू डू, मेरे पास जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे इसको, ठीक है। तो जब ज्वाइन करेंगे बेटा तो मेरे पास हो गए ज्वाइन करने पे, ये मेरे पास नया सेंटर आ गया, ओके, ये नया सेंटर आ गया। आप खुद सोचिए, ये 6 है ना, 6 का हाफ 3, मेरा यहाँ थोड़ा सा टच कर रहा है, आपका थोड़ा सा उधर हो सकता है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, नया सेंटर पुराने सेंटर से डिस्टेंस मेजर किया, ये लीजिए नया सेंटर पुराने सेंटर से डिस्टेंस मेजर किया, कट किया, ये लीजिए, ठीक है, बिल्कुल प्रिंसी ठीक था बेटा। तो मेरे पास हो गए इसको ज्वाइन, ये लीजिए, ओके बेटा। अब मेरे पास ये सेंटर ओ, ये पॉइंट हम पी ले लेते हैं, ये क्यू, ये आर, कुछ भी ले लो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने मेजर करना है, स्केल की हेल्प से पी क्यू और पी आर मेजर कीजिए और चेक कीजिए दोनों की लेंथ इक्वल होगी, क्यों होगी, सर्कल का चैप्टर हमने किया है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। अब उसने कहा है वेरीफाई इट बाय एक्चुअल कैलकुलेशंस, ये तो हमने करना है ना बेटा, वेरीफाई इट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन में क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको ज्वाइन, इसको ज्वाइन, तो मेरे पास जो है, अब बेटा ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पूरा कितना है 6 सेंटीमीटर। अब आपको पता है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाइए,
की उतनी वैल्यू आनी चाहिए जितनी आपने वैल्यू निकाली। दिस इज हाउ वी वेरीफाई इट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। ओके बेटा, बात समझ आ गई सबको? ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर बेटा।